हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बॉल्स दिख रही है मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, इस बॉल्स के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये बॉल्स आपके पशु में क्या काम करती है, बड़े पशुओं को कितनी डोज देनी चाहिए, छोटे पशुओं को कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आपको इस बॉल्स का अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे मेरे वेट पेट एंड केटल चैनल पर भी मिलोनेक्स प्लस के बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि डिटेल से जाना है, शॉर्ट में देखना है, तो आपको इस चैनल पर भी आप ये देख सकते हैं। तो इस चैनल पर जो अभी भी नए जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें आल वाला ऑप्शन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जो ये मिलोनेक्स प्लस बोलस आती हैं, इस बोलस का प्रयोग यदि आपके पशु में ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी दर्द सूजन बुखार के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। किसी भी तरह का दर्द हो, आपका पशु लंगड़ा करके चलता हो, उड़ने बैठने में दिक्कत हो, कहीं पर चोट लग गई हो, उस स्थिति के दौरान, या यदि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार हो गई है, लू लपेट चपेट में आ गया है, गर्मी की चपेट में आ गया है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन यदि आपके पशु में हो गई है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात ये आपका यदि पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, दोनों में आप इस मिलोक्सिकेम प्लस जो बोलस आती है, इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रेग्नेंसी सेफ है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उन्हें आप दो बोलस सुबह और दो बोलस शाम लगातार आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप दे सकते हैं। या आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया की शिकायत है, थनेला रोग हो गया है, सूजन आ गई है, कई तरह की बीमारियों के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में देना है तो आप इन्हें एक बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, या उनसे छोटे हैं तो हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को दे सकते हैं। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इन्हें आप एक बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं को ये बोलस का प्रयोग, जितने भी जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वो अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो कर सकते हैं। इंटास कंपनी की आती है। इसी तरह से अदर यदि बोलस जो आपके पशुओं के लिए क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर समय पर वीडियो मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी, नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप एक लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए इस चैनल पर भी समय समय पर अच्छी से अच्छी वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।